हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक नया आइडिया लेके आई हूँ, और वो है हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र जो हर जगह काम आ सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक डॉल बनाई है, और डॉल ने अपनी फ्रॉक के अंदर सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर रखा है। ये हमेशा आपके साथ रहेगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिप लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी जिप है, एक पॉकेट हमको यहाँ मिल रही है पूरी, और इसके साथ ही ये नेट की दो पॉकेट हैं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे भी हमें सेम पॉकेट मिल रही है। यहाँ पर ये पूरी फुल पॉकेट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इसमें भी हमें दो नेट की पॉकेट मिल रही हैं। तो इस तरह से इसमें हमारे पास पूरी 5 पॉकेट्स हैं। और साथ में आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पे वेलक्रो के लूप लगाए हुए हैं। तो ये जो वेलक्रो के लूप हैं, ये भी कई काम के लिए आ सकते हैं। तो पहले हम नेट के बारे में जान लें। इसमें अगर आप मेकअप किट के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो नेट है, ये जो नेट है, इसमें आप अपनी हर तरह की एयरिंग्स, जैसे कि ड्रेस के मैचिंग की होती हैं, उनको भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें होल है। तो ये इयररिंग्स टांगने के भी काम आ सकता है, प्लस सामान रखने के भी काम आ सकता है। और ये जो हमारे वेलक्रो वाले लूप हैं, इनको मैंने खास तौर पे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप इसमें अपनी की रिंग्स भी डाल सकते हैं, जो सेफ पड़ी रहेंगी, गिरेंगी नहीं। अपने रबर बैंड भी डाल सकते हैं इसमें, और जो भी आप गले की चेन वगैरह है, या जो भी ऐसी चीज़ जो इसमें टंग सकती है, आपको लगता है कि आपको सेफ रहेगी, तो इसमें आप आसानी से इसको रख सकते हैं। तो जो मैंने अभी वेलक्रो वाला बताया, मैं जरा इसको और नीचे कर दूँ। ये देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ, ये हमारे वेलक्रो इस तरह से खुलेंगे और ये बंद होंगे, और ये इतने हार्ड हैं कि कोई भी सामान टांगने से जल्दी ये गिरेगा नहीं। तो इसमें माला है, आपकी चेन है, इयरिंग सॉरी रबर बैंड है, कीज है, जो भी आप इसमें टांगना चाहें आसानी से टांग सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का हैंगर बनाने के लिए हमें सामान चाहिए। 14x23 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 14x23 इंच का 1 पीस लाइनिंग, 7x14 इंच के 2 पीस नेट, 9x7 का 1 पीस फैब्रिक, 1x4 का 6 पीस फैब्रिक लूप, जिप 14 इंच, 2 पीस चाहिए रनर, 2, 4 ऑप्शनल है। आपको एक एक लगाना है तो 2 चाहिए, और 2 डबल लगाना है तो 4 चाहिए। कॉटन पाइप, पाइप आपकी पीवीसी की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, या कोई कार्डबोर्ड की मजबूत पाइप हो सकती है। वेलक्रो चाहिए 14 इंच का। इसके बाद हमें चाहिए शो बटन 1, रेड बटन 1, 11x11 का 1 पीस फैब्रिक, फैब्रिक ग्लू, लेस, गुगली आइज, पाइपिंग, वूल, सॉक्स। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। हमारे पास जो ये 14x23 इंच का पीस है, ये 23 है, ये 14 इंच है। तो इसमें सबसे पहले हम चौक से निशान लगाएंगे, सब चीज़ की जगह बनाएंगे कि कौन सा पीस हमारा कहाँ और क्या लगना है। तो सबसे ऊपर जा कर के हम पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमें 3 इंच डाउन जाकर, 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, 6 इंच पर निशान लगाना होगा। ये सेंटर है, सेंटर से, सेंटर जो है हमारा, सेंटर से 3 इंच डाउन जाना है, 3 इंच इधर, 3 इंच, टोटल 6 इंच पर निशान लगाना है। फिर यहाँ से हमें 2 इंच डाउन जाना है, और इसमें पूरी एक लाइन खींचनी है, फिर 1 इंच डाउन जाना है, फिर एक लाइन खींचनी है हमें, फिर यहाँ से हमें 6 इंच पर निशान अगला वाला लगाना है। ये हमारा 6 इंच पर आ गया, फिर 1 इंच डाउन है, ये हमने 1 इंच पे डाउन कर दिया, और फिर ये 6 इंच पर है लास्ट वाला इस तरह से, और ये बराबर दूरी पर हमने 6 यहाँ पर निशान लगा रखे हैं इस तरह से। ये हमारे 6
निशान है, इनको बराबर दूरी पर निकाल कर लगा लीजिए। और अब हम शुरुआत करेंगे 3 इंच के बाद 2 इंच पर जो निशान लगाया है उसके बाद जो ये आपको दूसरी लाइन दिख रही है 1 इंच वाली, इसको हम कट करेंगे। ये जो ऊपर वाली है इसको नहीं कट करना है, जो ये वाली है इसको कट करेंगे जो 1 इंच डाउन पर है। और यहाँ पर हम एक जिप लगा देंगे। और जो पीस यहाँ पे कट किया था हमने ये वाला, इसको भी इसमें जोड़ देंगे। इसी तरह से जो हमने यहाँ पर ये 6 इंच का निशान देने के बाद जो 1 इंच डाउन पे निशान लगाया था, अब इसको हम कट करेंगे। और इस पे भी जिप लगा देंगे। इसमें जो कट किया था उस पीस को भी लगा देंगे। और इस तरह से पूरी फिनिशिंग देने के बाद जो ऊपर से जो निशान जा रहा है इसका ध्यान रखिएगा, और नीचे जो निशान लगे हैं यहाँ पर 6 निशान हमने यहाँ लगाए हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो है ये हमारा ऊपर का साइड है। अब इसमें हम नेट लगाएंगे जो हमारे पास 7x14 इंच की है। ये हमने 6 लिया है और ये हमने 7 लिया है। इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है, इसको बढ़ा के ही लिया गया है, और इसको इस तरह से रखना है कि ये जो ज़िप है हमारी, ये इसमें पहले पाइपिंग लगा लेंगे नेट में, ये जो ज़िप है हमारी ज़िप के ठीक नीचे से, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, ठीक नीचे से इसको हमें सेट करना होगा इस तरह से। और इसको पकड़ के पहले हम इसकी साइड सिल देंगे। ये ज़िप है, ज़िप की जो फिनिशिंग वाली सिलाई है उस वहाँ पर हम इसको रखेंगे इसका साइड, और एक साइड में आके पहले हम सिलाई करेंगे। अभी हमने रनर नहीं डाला है, रनर बाद में डालेंगे। और यहाँ पर जब दूसरी जिप के पास पहुँचेंगे तो वहाँ से जितना भी हमारा ये नेट है मोड़ देंगे, और फिर इसके बराबर से नेट के किनारे किनारे, सॉरी जिप के किनारे किनारे नेट को मोड़ते हुए अंदर की तरफ जितना एक्स्ट्रा है सिल देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेंटर पे निशान निकाला हुआ है, तो यहाँ तो 3 इंच पे निकाला था, और इसी तरह से ये जो हमारा 14 इंच का एरिया है यहाँ पर भी हमने सेंटर पे निशान लगाया हुआ था जैसे यहाँ लगा हुआ है। तो वो जो सेंटर है उस पर हम मशीन चलाएंगे। सेंटर पर जब मशीन चलाएंगे तो उसी समय हम इसमें ये जो हमारे पास लेस है इसको लगाएंगे। और एक लेस इस साइड से लगाएंगे।
और ये हमारी दो पॉकेट तैयार हो गई हैं इस तरह से। सेम प्रोसीजर में हम अगली नेट भी लगाएंगे। यहाँ से ये सेंटर निकाला हुआ है जिसे हमको दिखाई दे, जिप के नीचे से रखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फोर पॉकेट तैयार हो गई और यहाँ बीच में इसको हमने पार्टीशन की तरह डाल दिया है। अब इसमें हमारे पास जो 14 इंच का वेलक्रो है उसको लगाएंगे यहाँ पर। ये हार्ड पीस वाला यहाँ पर लगेगा और ठीक इसके नीचे लगेगा। दोनों साइड में डबल मशीन चलेगी। इस तरह से तैयार होने के बाद अब इसमें हम यहाँ पर जो वेलक्रो वाले लूप थे हमारे इनको लगाएंगे। जो हमने ये 6 निशान दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, बस इसको हमें इस तरह से सिंपल उसी निशान के बीच में रखना है और जुड़ते जाना है। वेलक्रो हमारा इस साइड होगा। अब ये हमारी पूरी तैयारी हो गई है, इसको भी हम इसी तरह से रहने देंगे। अब इसमें पाइपिंग लगाने से पहले हमें जो हमारे पास ये 14x23 इंच का जो लाइनिंग है इसको लगाएंगे। और ये मैंने थोड़ी बड़ी ही ली है, जो हमारा मेन साइज़ है उससे थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा बड़ा लेके चलती हूँ। और इसको हम चारों तरफ से, केवल हमें चारों तरफ से इसको सिलना है। इसको हम पैक करेंगे। ये जो हमारी जिप लगी है इसको हमें पार्टीशन में करना है। जहाँ पर ये नेट ख़त्म हो रही है हमारी, इसको हम यहाँ से सिलाई करेंगे। तो ये हमारा पॉकेट अलग निकल आएगा जिप के साथ और ये पूरा ऊपर सेपरेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो ऊपर वाली पॉकेट है, ये जो नेट है, इस पर ही हमें मशीन चलानी है। इसी तरह जो ऊपर वाला है उसमें करेंगे। तो ऊपर वाले में यहाँ पर नेट नहीं है, लेकिन प्लेन जो कपड़ा है हमारा उसको हम यहाँ से सिल देंगे। और इसको सिलने के बाद अब हम ये जितने लूप हैं इनको हम हटा देते हैं इधर से ऐसे, और जहाँ वेलक्रो और नेट का जोड़ा है इस पर एक मशीन चला देंगे।
ये देखिए यहाँ पर हमें एक पॉकेट हमें ये मिल रही है फुल, दो पॉकेट ये मिल रही हैं, 3, 4, 5 और ये 6 पॉकेट हमें इसमें मिल जाएंगी। और इतना इस साइज़ के हैंगिंग में इतना इतनी पॉकेट हमारे लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, और हम पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। पाइपिंग जो है हमारी वो इधर 3 साइड में लगेगी। जो ऊपर का साइड आ रहा है यहाँ पर जहाँ से हमने मेजरमेंट शुरू किया था, हमें अभी इधर पाइपिंग नहीं लगानी है, केवल 3 साइड में पाइपिंग लगाएंगे और फिनिशिंग के लिए ये वाली लेस लगा देंगे। तो सबसे पहले हम पाइपिंग लगाएंगे। और अब इस पाइपिंग को इस तरह से मोड़ते हुए और इसी पाइपिंग के अंदर से ये जो हमारी लेस है इसको हम लगाते जाएंगे इस तरह से। और आज की जो हमारी लेस है वो 1.5 इंच की है। इस तरह से लेस लगाने के बाद अब हम तैयारी करेंगे अपने अगले भाग की, जिसमें हमारा पूरा ऑर्गेनाइज़र टंगेगा। तो हम सबसे पहले लेंगे सॉक्स। सॉक्स को पहले हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद, और यहाँ पे ही बता दूँ कि अगर आपके पास अंगूठे वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल लेकर के भी हो सकता है काम, जो बिना अंगूठे के होते हैं तो उनको इस तरह से कर लें सीधा, इस तरह से कर लें। ये देखिए ये एड़ी है, लेकिन इसको रहने दें, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को इस तरह से सीधा कर लें और
इसको करीब हम काटेंगे। ये जो हमारी एड़ी है, एड़ी नीचे की तरफ रहेगी इस तरह से, और एड़ी से करीब 4 इंच ऊपर काट लें, यानी कि कहने का मतलब है टोटल हम लेंगे 10 इंच, पंजे से पूरा हम 10 इंच लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद अब ये जो यहाँ पे कट है अंगूठे का और उंगलियों का, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 6 इंच तक निशान लगाएंगे और इस पर मशीन चलाएंगे। तो जो मशीन चलाएंगे, ये जो हमने लाइन खींची है ये दोनों बराबर करके, ये जो लाइन खींची है एक लाइन के इस साइड मशीन चलेगी, एक इस साइड मशीन चलेगी, क्योंकि हमें बीच में कट करना है। तो जब हम मशीन चला देंगे तो वहाँ से वो फिर खुलेगा नहीं, तो पहले हम मशीन चला देते हैं और डबल मशीन चलाएंगे। अब जो एड़ी का कपड़ा है उसको ऊपर कर लेंगे पीछे की साइड से, एड़ी वाला जो कपड़ा है उसको ऊपर साइड में कर लेंगे, नीचे बराबर कर लेंगे पूरा, क्योंकि हमें ये पूरा जो भी बनाना है वन पीस में बनाना है। और यहाँ से इसको टर्न करेंगे और दूसरे साइड से लेंगे। अब जो हमने मशीन चलाई है उसी पे हम दोबारा मशीन चला देंगे। अब ये हमारा कट सिल गया है, अब इसको हम कट करेंगे बीच में से, बहुत सफाई के साथ कट करना है जी। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये हमारा सीधा हो गया। अब इसमें हमें कॉटन भरना है। थोड़ा थोड़ा कॉटन लेंगे और इसको भरेंगे। जो हमने सिलाई की है इससे थोड़ा ऊपर तक हमें इसको भरना है। में ये हमने पूरी कॉटन भर दी है और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये हमारा एड़ी वाला हिस्सा था, एंकल वाला हिस्सा, और इसको थोड़ा सा और फिल कर देते हैं। यहाँ पे हल्का सा डाउन है, इस तरह से इसको बराबर से अच्छे से भरना है। ये बराबर हो गया और अब हम ये इस तरह से ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। और अब हम ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसका, इसको इस तरह से देखिए ध्यान से, इसको हमें रुई अंदर करके और बस इसको बहुत सफाई के साथ यहाँ पे इस तरह पैक कर देंगे। और ये एकदम ऊपर ही पैक होना चाहिए हमारा, इस तरह से इसको हम पैक करेंगे और यहाँ पे सिल देंगे। जो उभरा हिस्सा है सिलाई इधर नहीं आनी चाहिए, सिलाई पीछे की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ्रंट रहेगा। ये हमने इसको पैक कर दिया। ओ, मोटा धागा लेंगे और ये जो दोनों हमने पीस किए थे इसको यहाँ मिला के टाइट से बांध देंगे। और लेकिन ये नहीं बांधना है, यहाँ पर जहाँ से ये
जुड़ा हुआ है, ये हमारा इस तरह से आना चाहिए और ये हमको यहाँ पे टाइट से बांधना है। इसको हल्का सा टाइट करेंगे यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हम मोटे धागे से ही रेड कलर का ये बटन लेंगे और इससे इसके जो है ये लिप्स बनेंगे। और सिलने के लिए ये जो ऊपर हमने ये जोड़ दिया था यहाँ पर, यहीं से हमें इसमें सुई निकालनी होगी और इसमें हम बटन लगाएंगे। सेंटर में आना चाहिए और हल्का सा खींच देंगे और अब जिधर से खींचा है उस तरफ से दोबारा सुई डालेंगे और जिसमें पहले सुई निकाली थी उसको खींच लेंगे। ये बराबर से अंदर की तरफ आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया। ये जो हमारे डॉल हैं इसके बाल तैयार करने हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लिए हैं, बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं बनेगी लेकिन अच्छी चोटी बन जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर, ये जो हमारा सेंटर है, ये दोनों आँख के बीच का जो सेंटर है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। धागा ले रहे हैं, मोटा धागा यहीं से निकालेंगे। इस तरह से इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से। गुड़िया तो बचपन में आप सब ने बनाई ही होगी अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो चलिए आज फिर एक गुड़िया बना लेते हैं अपने घर के लिए। इसको भी हम यहाँ पर टक कर लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे, और ये जो लेस थी हमारी इससे हमें बांध देना है। ये लीजिए, एक तरफ की चोटी तैयार हो गई है। यह हमारी चोटी तैयार होगी। अब हमें इन चोटियों को इसमें टक करना है। तो सिंपल, इसको हम इधर रखेंगे और यहाँ तक लाएंगे। ये जो हमारी गले में हमने यहाँ पे डोरी बांधी है इसको हम यहाँ तक लाएंगे और इसको टक करेंगे। तो हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसमें हमें ये जो पीछे का हिस्सा है इसको कवर करना है। ये 11x11 का कपड़ा हमें यहाँ पर एक चाहिए होगा और इसको हम चारों तरफ से कच्चा करेंगे। ये हमारा चारों तरफ कच्चा हो गया है और इसको हम एक फ्लावर का लुक देंगे। इसको यहाँ टाइट कर लेंगे जितना भी कपड़ा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये तैयार होने के बाद इसको हम सेंटर में सिल देंगे। इस तरह से इधर ले आएंगे और इसको अब हम इसके साथ टक करेंगे इस तरह से। इसका लुक इस तरह से आना चाहिए। अब हम इसको इसके साथ सिल देते हैं बीच में, क्योंकि हमें इसमें अभी साइड में सिलाई देनी है। अब इसको सिलने के बाद, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको सिलने के बाद ये जो हमारे पास पाइपिंग थी इसमें से हम एक लूप बनाएंगे करीब 6 इंच का।
ये हमारा लूप बन गया। और ये जो डॉल के पीछे जो हमने फ्लावर लगाया है इसको करीब ये यहाँ पर हमारा भी सिला जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर सिल देंगे इस तरह से। ये कुछ इस तरह से लूप बन जाएगा। और अब ये जो पूरी हमारी पीछे की जो कैप जैसी दिख रही है इसको हमें यहाँ से जो हमने ये इसके बाल बनाए हैं इनके साथ हमें किनारे किनारे इसको सिलाई करनी है। यहाँ पर अब हम नॉट दे देंगे। अब इसके बाद हमें ये हमारी डॉल तैयार हो गई है, आइस बाद में लगाएंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो अच्छी लगेंगी। अब हम लेते हैं हमारे पास जो 9x7 का पीस था ये, अब इसको हमें सिलना है। जो ये खुला वाला हिस्सा है हमारा, ये हमारा 6 है, ये हमारा 9 है, इसको इस तरह से लेना है। बीच में कहीं भी कोई थोड़ी सी जगह छोड़ दें, बीच में स्पेस होना चाहिए, और इसको हमें पूरा इधर से लेके पैक कर देना है। अब इसको हम सिल देंगे। सीधा करेंगे, कोने निकालने के बाद ये जो खुला हुआ पीस है इसको जब हम खींचेंगे तो ये खुद ही अंदर मुड़ जाएगा। और इसके बाद हम इसके किनारे मशीन चला देंगे। अब इसका सेंटर निकालेंगे, ये हमारा सेंटर है सुई धागे की मदद से अच्छा करेंगे। और इस तरह से ये हमारा कच्चा हो जाएगा। अब इसी पर हमें एक शो बटन लेना होगा और इसको इस तरह से लगा देंगे। अब हमारा ये भी तैयार हो गया है। शुरू में जो हमने ये पार्ट उठाया था अब यहाँ पर हमने अभी सिलाई नहीं की थी, अब हमें इसमें पाइपिंग जोड़नी है। पाइपिंग को हम सीधी तरफ से जोड़ेंगे, जैसा कि मैं बताती हूँ कि उल्टी तरफ से जोड़ने पे फिनिशिंग आएगी इसमें, क्योंकि हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं तो इसमें हम पाइपिंग इधर से लगाएंगे उल्टी तरफ से, डबल सिलाई देते हुए कॉर्नर में। हमारी जुड़ गई पाइपिंग। जोड़ने के बाद अब ये जो निशान हमने शुरू में लगाया था उस पर हमें ये डॉल जोड़नी है कुछ इस तरह से। तो इस डॉल को जोड़ने के लिए हमें मोटे सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी और इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये जो डॉल का हाथ है और ये जो सेंटर है ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमने यहाँ पे कट करके इसके दो पार्ट बनाए थे, दोनों हैंड बनाए थे, ये हमारे यहाँ सेंटर में ही आने चाहिए, नहीं तो हैंगिंग टांगते समय एक तरफ ज़्यादा लटक सकती है। तो इसका सेंटर हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। और ये जो लाइन हमने 6 इंच की खींची थी अब इसको हम पूरा खींच लेंगे और इसी पर हम ये डॉल सिलेंगे। तो डॉल का जो ये जो हैंड है, अब जो हमारा सॉक्स है वो खींच सकता है, तो इसको करीब 1 इंच तक या 1.5 इंच तक हम बाहर इस तरह से पूरा खींच के तब सिलेंगे। ये इतना हिस्सा हमारा बाहर आना चाहिए और उधर भी इस तरह से हमें सिलना है। तो अब इसको हम सिलना शुरू करते हैं इस तरह से। और इसको सिलने के लिए सिलना इस तरह से है कि मजबूत भी रहे और ये टिक भी जाए।
इसीलिए हमने मोटा धागा लिया है। इस तरह से सॉक्स और अंदर की कॉटन को पकड़ते हुए, सुई ऊपर नहीं आनी है, ये सब एक साथ पूरा ये हमारा इस तरह से टॉप अटक गई है। और अभी हमें यहाँ पर नॉट केवल देनी है, अभी धागा हमें तोड़ना नहीं है। ये नॉट देके हम छोड़ देंगे, सुई इधर लगा देंगे। और अब थोड़ी मेहनत इधर हमें करनी पड़ेगी, वो ये कि ये जो पाइपिंग का हिस्सा था हमारा, ये जो पाइपिंग का हिस्सा था हमारा, इसको हमें, ये जो हमने अलग से पाइपिंग लगाई, इसको फोल्ड करके, और जो पार्टीशन के लिए हमने यहाँ पे जिप के ऊपर जो मशीन चलाई थी, उस पार्टीशन की सिलाई के ऊपर हमें यहाँ पर मशीन चलानी होगी। जो मशीन पहले से चली है जिप जोड़ने के लिए और पार्टीशन करने के लिए, उस पर नहीं चलानी है, उसके थोड़ा ऊपर चलाएंगे और यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे। और जो हमने डॉल के हाथ जोड़ने के लिए जो हाथ की सिलाई की थी यहाँ पे, जो पीछे दिखने लगी थी, वो इसको पलटने के साथ ही गायब हो गई। अब हमें इसके अंदर पाइप डालनी है, ये हम पाइप डालेंगे इस तरह से, ये हमारी पाइप चली गई। और ये जो इसकी हथेली बनाई थी यहाँ पर, इसको यहाँ तक सिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे सिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब ये जो हथेली बनाई थी, इसके अंदर बीच में से हम ये सुई निकालेंगे इस तरह से। और ये जो, चलिए पाइप निकाल देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा काम, इसको फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। और ये जो इसका हिस्सा था, इसको हम, इसको बंद नहीं करना है, इसको हम यहाँ पर खींच के सिलना है इसके साथ, इस कपड़े के साथ हमें इसको टक करना है इस तरह से। यहाँ पर हम टक करेंगे, बहुत सफाई के साथ इसको सिल दीजिए। और आप चाहें तो यहाँ पे कोई बटन, फ्लावर, कुछ भी इसके साथ लगा सकते हैं सफाई आने के लिए। ये हमने इसको टांग दिया। अब इसमें हम पाइप डालेंगे, इसको पूरा अंदर प्रेस करते हुए। अब यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, इसका दूसरा सिरा भी हमें टाँकना है। तो अब बिना पाइप के तो हम नहीं सिल सकते, क्योंकि पाइप हमें, हमने इसके दोनों हाथ इस तरह से सिल दिए हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ हमारा पूरा ये पैक हो चुका है। और अब इसमें हमें इनकी आइस बनानी है, और जो हमने बो तैयार किया था उसको लगाएंगे। तो अब ज़्यादा हम इसमें हाथ की सिलाई नहीं करेंगे, अब इसमें हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो फैब्रिक ग्लू जो है, हमें पहले तो आंखों में इस तरह से आंखें बनानी है। फैब्रिक ग्लू कुछ ज़्यादा सा लगाना है, और ये सूखने के बाद गायब हो जाएगा। इसको अच्छे से लगा देंगे, इस तरह से सेट कर देंगे। और इसको करने के बाद जो हमारा फैब्रिक ग्लू है, ये जो हमने सिलाई दी थी हाथ के और कपड़े के बीच में, इसमें हमें अंदर की तरफ भर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी सिलाई है, ये मजबूत हो जाएगी।
क्योंकि सारा वजन इसी पर आना है। ये हमने भर दिया। अब इसके बाद ये जो हमने बो बनाया था, इस बो को भी हम फैब्रिक ग्लू से ही चिपकाएंगे। यहाँ पर जाला रखेंगे और इस तरह से इसको हम सेंटर में दबाएंगे और जो इनकी चोटी है उसके नीचे से इसको हम यहाँ दबा देंगे। ये इस तरह से यहाँ आ जाएगी। बो के कोनों पर भी दे देंगे। ये हमारा इस तरह से हैंगिंग तैयार हो जाएगी और इसको हम ओवरनाइट सूखने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल और दे दूँ। अब हम इसको हिला नहीं सकते लेकिन हम इस तरह से बता सकते हैं। ये जो पॉकेट है, ये तो हमारी वन पॉकेट है, ये तो शुरू में मैंने बता दिया था, इससे पहले ये जो दो पॉकेट हैं और ये जो दो पॉकेट हैं, इनको आप मेकअप किट की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी सामान अंदर रखा जा सकता है और ये जो नेट है हमारी, इस नेट के जो होल बने हैं इसमें आप एयरिंग्स वगैरह अपनी सुरक्षित टांग सकती हैं। और दूसरे इसमें ख़ास बात हमने दी है, ये जो नीचे हमने 6 इंच के लूप लगाए थे वेलक्रो के साथ, इसमें आप अपने रबर बैंड भी टांग सकती हैं, अपनी माला वगैरह भी टांग सकती हैं, अपनी कीज़ भी टांग सकती हैं और इसमें बस फंसाना है और इसमें लगा देना है। और इतना हार्ड होता है कि आपका कोई भी सामान इधर उधर नहीं जाएगा, तो ये मल्टी यूज़ में आपके काम आएगा। और ये था आज का हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ आइडिया लेके आएगी। नमस्कार।